मंगलगार होगा, इसी इसी ये एक इनिशिएशन शुरू हो गया है। कहते ना एक राष्ट्र, एक प्रधानमंत्री हो आप हमारे, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हो, आपको उस पोजीशन की मर्यादा रखनी चाहिए। देखा कभी किसी देश का प्रधानमंत्री जो किसी के प्रोडक्ट की एड करे? कभी देखा? ये ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जो जियो रिलायंस की एड करते हैं, मतलब कहीं पे भी। आप सबने देखा कोई प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री का क्या मतलब? तू हिंदू का भी है, तू मुसलमान का भी, तू सिख का भी, तू ईसाई का भी है, हर राष्ट्र का तू उतना। आपकी मजाल कैसे होती है कि आप संसद में जाते हैं? आप कैसे किसी एक रिलीजन को इतना बढ़ावा दे सकते हैं? आप प्रधानमंत्री सबके एक जैसे हैं, तो अगर आप कहीं पूजा करवा रहे हैं आप वहां पे नमाज भी पढ़वाइए, अगर आप कहीं कुछ करवा रहे हैं तो पाठ भी करवाइए। ये आपका फर्ज बनता है क्योंकि आप सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री के प्रधानमंत्री है। लेकिन ये प्रधानमंत्री क्या करते हैं? ये प्रधानमंत्री अपना काम नहीं करते, नौटंकी करते हैं, हर बार आते हैं जुमला झूठ, वही मेरा झूठ सबसे मजबूत। मैं हमें समझ, युवा होने के नाते हमें लगता है कि लोग कहते हैं 18 घंटे आपका प्रधानमंत्री काम करता है, हम कहते हैं फिटे मुंह, आप ऐसा 18 घंटे तो काम ही मत करो, आप 8 मिनट काम नहीं करो। अगर आपने देश को ऐसे बेचते रहना है ना, अगर देश के ऐसे डीलर बनो, बेड़ा गर्क करके रख दिया, तो आप काम मत करो भाई, आप बेहतर है, आप काम मत करो। सच में सब चंगा सी, बिल्कुल तो सही बोलते हैं। आप लोग समझे नहीं, सब चंगा सी, अंबानी का सब चंगा सी, अडानी का सब चंगा सी, उनका वेल्थ सब चंगा सी, वही तो बोल, जैसे मोदी जी भी तो बोलते हैं ना किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा। किसका कर्ज कहा था? हमें लगा ये वाले किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा, लेकिन वो तो आए थे पूंजीपतियों के लिए, वो तो आए थे बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लिए, उनके कर्ज माफ कर दिए। आप बेवकूफ मूर्ख बन के रह के आपका कर्ज माफ होगा? आपको कह दिया अच्छे दिन मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन जाएंगे, कभी सोचा था? अगर आज मोदी जी जाएंगे ना तो अच्छे दिन आएंगे। और 15 लाख का था, मिले 15 लाख किसी को? आए बार बार मैं कहती हूँ, किसी के अकाउंट में 15 लाख नहीं है। और सोचो ऐसा देश का प्रधानमंत्री है जो झूठ बोल रहा है। अभी ये जो अभी 216 करोड़ रुपए दिए, जो अभी दिए 4 दिन पहले क्यों नहीं दिए? 6 साल से मन की बात करी, मन की बकवास करी, 6 साल से पहले क्यों नहीं दिए? 6 साल से पहले क्यों नहीं दिए? 6 साल में क्यों नहीं दिए? अगर 6 साल में दिए होते 16 करोड़ 35 लाख जनता को बांटे, डिवाइड करो 35 लाख जनता का, तो 2000 रुपए सबकी जेब में जा रहे हैं। और अगर आज फसल लगाऊंगी तो 6 महीने बाद काटूंगी ना, तो 2000 में क्या क्या कर लूंगी मैं उस 6 महीने में? वो मन की बात में तो दिखा रहे थे ना कि ये वो किसान जो